यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हाथरस के सरकारी स्कूल में गांधी जयंती के मौके पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा था, तभी हाई टेंशन पावर लाइन का एक तार स्कूल कैंपस में टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि ये तार वहां मौजूद बच्चों और शिक्षकों के ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो टीचर और बच्चे जो हैं वो बाल बाल बचे हैं, ये देख रहे हैं कि इस तरह से बिजली का तार जो है वो टूट कर गिरा है। हालांकि वहां पर जब ये तार जो है वो टूटा, वहां पर उस वक्त बच्चे और टीचर मौजूद नहीं थे, वो थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन अगर वहां पर उस वक्त टीचर और बच्चे मौजूद होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था स्कूल कैंपस में। हाथरस में बड़ा हादसा टला है, ये देखिए हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय की ये तस्वीर है, कैसे हाई टेंशन तार जो है वो गिर गया है इस स्कूल के ऊपर से। और उस वक्त हालांकि जब ये तार गिरा, वहां पर बच्चे और टीचर मौजूद नहीं थे, लेकिन क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर स्कूल है, स्कूल का प्रांगण है, तो वहाँ बच्चे जो हैं वो रिसेस में खेल रहे होते हैं, टीचर आते जाते रहते हैं, और ऐसे में हाई टेंशन तार अगर अचानक से गिर जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये हादसा टल गया।